नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर पॉडकास्ट हिंदी में। आज की हमारी कहानी एक नेशनल हाईवे के बारे में है जिसे लोग भूतिया होने का दावा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे थे। उस समय मैं और मेरा दोस्त अपनी कार से गुड़गांव के एमजी रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। काली अंधेरी रात में हमारी गाड़ी सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हम जिस जगह से आ रहे थे वहां से यहां तक पहुंचने में लगभग हमें 4 घंटे का समय लग गया था। हम मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी भी 2 घंटे का सफर तय करना बाकी था। चलते चलते हमें भूख लगने लगी थी। हम दोनों दोस्त के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए ताकि हम खाना खा सके और कार के रेडिएटर में थोड़ा पानी भी डाल दें, क्योंकि गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो चुका था। तभी हमारी नजर सड़क के किनारे दूर चल रही एक लाइट पर पड़ी। हमने सोचा कि हो ना हो यह कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे वह ढाबा हमें साफ नजर आने लगा था। हमने देखा कि उस ढाबे पर एक बूढ़ी महिला सफेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियां सिकते हुए देखकर हमारी भूख और बढ़ गई। सड़क से हमें अपनी कार उस ढाबे की तरफ मोड़ दी, और जैसे ही हम दोनों दोस्त खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे उतरे तो देखकर हैरान रह गए। मैंने देखा कि दूर से जो महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी अब वह एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। मैंने अपने दोस्त को कहा, जब हम उस औरत को दूर से देख रहे थे तो वह एक बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही वह बूढ़ी महिला खूबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई। इतना सुनकर मेरा दोस्त मुझ पर नाराज होकर बोला कि हो सकता है यह हमारी आंखों का भ्रम हो, और यह भी हो सकता है कि पहले इसकी माँ रोटियां सेक रही हो और उसकी यह बेटी रोटियां बेल रही हो। मेरा दोस्त फिर मुझसे बोला, रोटियां कोई भी बनाए हमें तो केवल खाने से मतलब है। इतना बोलकर हम लोग ढाबे की बेंच पर जाकर बैठ गए, लेकिन मेरे मन में काफी सवाल चल रहे थे। वह रोटियां बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी, और मेरा दोस्त उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था। मैंने सोचा जब तक वह लड़की खाना लेकर आए तब तक मैं अपने मित्र की कही हुई बात को चेक कर लेता हूँ, यदि इसकी माँ ढाबे में होगी तो वह भी अंदर ही कहीं होगी। मैं अपने हाथ धोने के बहाने से ढाबे की उस ओर आगे बढ़ गया जहाँ से ढाबे का पूरा भीतरी हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ढाबे के अंदर की ओर दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वह कहीं भी उसकी माँ नजर नहीं आई। अब मेरा माथा ठनका कि इस सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की ढाबा कैसे चला सकती है। मैंने वापस आकर अपने मित्र को बताया कि ढाबे के अंदर कोई नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ भी नहीं है। मेरी यह बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे डांटने लगा, कहने लगा कि यहाँ मैं खाना खाने आया हूँ, यह जांच पड़ताल कर ले। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता तभी उसके किसी मित्र का फोन आ गया। वह पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ आ गए हो। मेरे मित्र ने बताया कि हम लोग गुड़गांव के एमजी रोड पर हैं। जब उसने गुड़गांव के एमजी रोड का नाम सुना तो वह चौंक गया। उसने कहा कि इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है, तुम अपनी गाड़ी से नीचे तो नहीं उतरे। इस बात पर मेरे मित्र ने कहा, हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। तब उसके मित्र ने फोन पर ही पूछा कि यह ढाबा कहाँ है। इस पर मेरे मित्र ने बताया कि हम दोनों एमजी रोड पर पुरानी ईंट की भट्टी के पास पीपल का पेड़ के नीचे एक ढाबा है, वहाँ खाना खाने के लिए रुके। अपने मित्र को फोन पर अपनी लोकेशन बताने के बाद उसने जो कुछ बताया वह चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उस एमजी रोड पर कहीं पर भी कोई ढाबा नहीं है, वहाँ ईंट की भट्टी के पास एक कब्रिस्तान अवश्य है जहाँ भूत प्रेत के डरावने किस्से अक्सर सुने जाते हैं। मेरा मित्र यह सुनकर पसीना पसीना हो गया। उसे समझ में आ गया हम लोग उस समय किसी भूतिया स्थान पर हैं। उस
उसने धीरे धीरे सारी बात मुझे बताई। मैंने अपने मित्र से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर हम दोनों मित्र यह जान चुके थे कि यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर कोई खतरा उत्पन्न हो उससे पहले यहाँ से भाग चले, इससे पहले कि वह खूबसूरत भूतनी अपना भूतहा खाना देकर हम तक पहुंचे, हम उठ खड़े हुए। तब तक रोटी सेक रही भूतनी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हमें उस ढाबे वाली लड़की के भूतनी होने की असलियत का पता चल चुका है। वह अब हम दोनों की तरफ क्रोधित होकर देखने लगी। देखते ही देखते वह लड़की फिर से बुढ़िया बन गई। उसका चेहरा डरावना था, उसका कोयले से अधिक काला रंग, अंदर की ओर धसी हुई आंखें थी, नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा सा छेद था, बड़े बड़े जानवरों की तरह कान और उसके बिखरे हुए लाल बाल थे। वह खौफनाक भूतनी चिल्लाती हुई हमारी ओर बढ़ी कि जैसे कि वह हमें कच्चा ही चबा जाएगी। मेरे मित्र ने गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और मैं भी लपक कर कार पर सवार हो गया। अब हम कार स्टार्ट कर तेजी से वहां से भाग निकले। बिखरे हुए लाल बालों वाली वह डरावनी भूतनी हमारे कार के पीछे लगभग आधा किलोमीटर तक दौड़ती रही, फिर उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। अब हम दोनों दोस्त ने चैन की सांस ली और फिर गुड़गांव के एमजी रोड पर रात को ना जाने की कसम खाई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।